Hey, hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Roshan Vichare. So, आज का वीडियो काफी खास होने वाला है. खास इसीलिए क्योंकि मैं आपके साथ मेरी फैट लॉस जर्नी या कहिए बॉडी रिकम्पोजिशन की जर्नी शेयर करूंगा. फर्स्ट लॉकडाउन में जिम्स बंद थे, मेरा शूट भी बंद था, तो यार मैं आप सभी लोगों की तरह घर पे था. अभी घर पे चार लोग बैठे तो हम करते क्या यार, नेटफ्लिक्स लगा दिया, बिंज वॉचिंग चल रहा है हमारा. कभी वो नया ट्रेंड नहीं आता दलगोना कॉफी बनाने का, हाँ तो वो मैंने भी किया था. और उसके बाद यार घर में सब लोग कुक बन गए थे, ये रेसिपी वो रेसिपी, बेकर भी बन गए थे यार. बहुत सारे केक्स मैंने खाए, ऋतु ने बहुत सारे केक्स बनाए थे, मेरी आई भी ट्राई कर रही थी. तो केक हो गया, दलगोना कॉफी हो गया, और हाँ वड़ा पाव. मैं मुंबई से हूँ ना, तो हम लोग वड़ा पाव बहुत खाते हैं. तो ये सब खा खा के मैंने बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट किया था. आपको यकीन नहीं हो रहा, ये रही मेरी वो फोटो. हाँ मैंने फैट एक्यूमुलेट कर लिया था, बट गाइज मैं तभी भी मेरे फोटो इंस्टाग्राम पे फ्लॉन्ट कर ही रहा था, क्यों ना करूं. बिकॉज आई एम ऑलवेज कंफर्टेबल विद माय बॉडी, और मैं ये मानता हूं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड टुवर्ड्स लविंग योर सेल्फ. तो गाइज बात यह है कि उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, मेरा शूट शुरू हुआ, और मैं फिर वापस बैक टू बैक शूट कर रहा था, और मुझे मेरे बॉडी पे वर्क करने के लिए टाइम ही नहीं मिला. तो करीब पिछले 3 महीने, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज 100 डेज पहले, मैंने और मेरे जो कोच है निष्णात, हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे, मतलब इसमें होगा क्या. तो मैंने एक 100 डेज चैलेंज लिया था. इसमें निष्णात ने मुझे मेरा वर्कआउट क्या होगा, मेरा डाइट क्या होगा, मैं कौन से सप्लीमेंटेशन लूंगा, इस सब का उसने चार्ट बनाया था. और फिर मेरी वेट लॉस या फिर कहो फैट लॉस जर्नी शुरू हुई थी. बट मैं इसको फैट लॉस नहीं कहूंगा, बिकॉज जैसा मेरा बॉडी टाइप है, मैं बन गया था स्किनी फैट. अब ये स्किनी फैट होता क्या है? तो स्किनी फैट ये होता है कि मेरी बॉडी पेट के यहाँ पे बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट कर लेती है. तो होता है क्या है कि मेरे आर्म्स, मेरी चेस्ट, मेरा ओवरऑल बॉडी तो उतनी है, बट फिर फैट पेट के यहाँ पे एक्यूमुलेट होने के कारण जब मैं टी शर्ट उतारता हूँ तो वहां पे अच्छी डेफिनेशन नहीं होती. मतलब शर्ट में तो मैं काफी अच्छा दिखता हूँ, बट जैसे ही मैं मेरा शर्ट टी शर्ट उतारता हूँ, सो यार मैं एक्टर हूँ तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, तो जब ऐसा करता हूँ तो बॉडी काफी फ्लैबी दिखती है. ऐसे लगता है यार हम कभी जिम गए ही नहीं, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम तो वर्कआउट करते रहते हैं. तो इस चीज को कहते हैं स्किनी फैट. तो हाउ टू फिक्स द स्किनी फैट, तो इसका एक काफी अच्छा ऑप्शन मुझे पता चला, और वो ये है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना. अब रहा सवाल वापस कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या है. सो बॉडी रिकॉम्पोजिशन मतलब हम फैट लॉस करते हैं और साथ ही साथ हम मसल मास भी गेन करते हैं, जिसे लीन मसल मास गेनिंग कहते हैं. यस, हम वो करते हैं. तो मेरी ये जर्नी शुरू हो गई, और 23 अगस्त, ये जो फर्स्ट डे था जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी, तब का ये रहा मेरा फोटो. मेरी फाइनल फोटो जो मैंने 5th दिसंबर 2021 में खींची थी. यहाँ पे मेरा बॉडी फैट परसेंटेज है 14%, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ 13.9 ऐसा था, तो मैं राउंड फिगर 14% कह रहा हूँ. तो मैंने मेरा गोल तो अचीव कर लिया था, बट रहा सवाल ये कि मैंने ये गोल अचीव कैसे किया. तो गाइज इसके लिए मैं मानता हूँ कि जो 7 पॉइंट्स या फिर 7 key points मैंने फॉलो किए थे, मैं वो आज आपसे शेयर करूंगा. देखो यार मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेंड इंडिविजुअल हूँ, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, ना ही मैं डाइटिशियन हूँ, बट गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों को फॉलो करके मुझे फायदा हुआ, तो शायद आपको भी फायदा हो. तो ये 7 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. और तो पॉइंट नंबर 1 है डाइट. गाइस जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें मसल गेन करना है या फिर हमें हमारी बॉडी काफी प्रेजेंटेबल या फिर एक अच्छी बॉडी चाहिए, तो जिम में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जैसे कहते हैं ना कि 70% इज योर डाइट एंड 30% इज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्कआउट. तो वो जो 70% पोर्शन इस जर्नी में था, उसे मैंने पहले टारगेट किया.
तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले मैंने मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट की जो निकली 2400 किलो कैलोरीज। आप गूगल पे जाके अपनी अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हो। अब मेरी निकली 2400 किलो कैलोरीज, तो मुझे करना था फैट लॉस, तो मैंने 200 किलो कैलोरीज स्ट्रेट अवे कम की, मतलब 2200 किलो कैलोरी का मेरा डाइट बना। मतलब पूरे दिन में मैं इतनी कैलोरीज खा रहा था। बट अभी इसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, इसका एक प्रॉपर रेशियो था। मुझे लीन गेन भी करना था, इसीलिए 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, इतना प्रोटीन इंटेक मेरे डाइट में रखा गया था, जो अप्रोक्सीमेटली 190 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स के रेंज में था। मुझे काफी अच्छा रिजल्ट चाहिए था, इसलिए इस बार मैंने पूरी दिलो जान लगा के मेहनत की थी और मैंने डाइट को मेरे काफी अच्छे से फॉलो किया था। बिकॉज मुझे एक चीज पता थी कि डाइट अगर मैं अच्छे से फॉलो नहीं करूंगा तो उतने डिजायर्ड रिजल्ट मुझे नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर टू है वर्कआउट। गाइज, वर्कआउट काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूं, क्योंकि आप सभी लोग जिम जाते ही होंगे या किसी ना किसी तरीके का एक्सरसाइज, किसी ना किसी तरीके का वर्कआउट आप करते ही होंगे। तो मैं मेरे वर्कआउट स्प्लिट के बारे में बताऊंगा। मेरे ट्रेनर ने और मैंने डिसाइड किया था कि हर एक बॉडी पार्ट वीकली 2 बार लगाया जाए। तो मेरे एक रफ वर्कआउट प्लान इस तरह से था कि मंडे को मैं चेस्ट और ट्राइसेप लगाता था, क्योंकि छोटे मसल ग्रुप है तो मैं उन्हें क्लब करता था। अब बड़े मसल ग्रुप में आता है बैक और थाइज, लेग मसल्स, तो उनको मैं ट्यूसडे और वेनसडे को लगाता था, और थर्सडे को अगेन मैं बाइसेप्स और मेरे शोल्डर ट्रेन करता था। इसी तरह से मैं इसे साइकिल में फॉलो करता था। मैं संडे को रेस्ट लेता था, कार्डियो और एब्स मैं हर एक अल्टरनेट डेज पे उसे लगाता था। तो ये हो गया मेरा वर्कआउट स्प्लिट। पॉइंट नंबर थ्री है स्लीप। गाइज, मैं दुनिया में ना हर एक चीज कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, पर मैं स्लीप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। उसका रीजन है क्योंकि स्लीप के वजह से हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो जैसे रेकमेंडेड है कि 7 to 8 hours ऑफ स्लीप हमें लेनी चाहिए, तो वैसे ही साउंड स्लीप मैं पिछले 100 days में लेता था। 8 hours ऑफ स्लीप अ डे मैं करता ही था, और इसके लिए फिर मैं कुछ भी करता था यार, बट मैं 8 घंटा जरूर सोता था। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्रॉपर स्लीप आपके शेड्यूल के हिसाब से आप भी ट्राई कर सकते हो। पॉइंट नंबर फोर है वॉटर। सभी लोग कहते हैं ना, मतलब हम लोग बचपन से सीखा ही है कि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी हुई है। तो वो सच है, झूठ है, इसमें हम नहीं जाएंगे। तो मेरे वेट के हिसाब से 4 to 5 liters ऑफ वाटर रेकमेंडेड था, जो मैं हर दिन पीता था। सच बोलूं यार, बहुत मुश्किल से उतना पानी चाहता था, बट उसके लिए मैंने टाइमर लगाए रखे थे, मेरे माँ को बता दिया था, मेरे दोस्तों को बता दिया था कि भाई जब भी मुझसे मिलो मुझे कहो पानी पियो, पानी पियो। बट यार, मैं 4 to 5 liters ऑफ वाटर पीने की कोशिश करता ही था। पॉइंट नंबर 5 है सप्लीमेंटेशन। नॉर्मली मैं तो क्लीन खाता था, बट यार मैं एक्टर हूँ, हम काफी भाग दौड़ करते रहते, ऑन द गो रहते, इसीलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए मैं वे प्रोटीन लेता था, और वे प्रोटीन के साथ साथ मैं क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन भी लेता था। सो वे प्रोटीन प्लस क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, उसके साथ ओमेगा 3, फिश ऑयल और मल्टीविटामिन्स, इन 4 चीजों पे मैं काफी फोकस रखता था, और ये 4 चीजें मेरी सप्लीमेंट स्टैक में हमेशा होती है, और इसी 100 days में भी मैं इनके ऊपर ही भरोसा रखकर चल रहा था। पॉइंट नंबर 6 है एप्स, एप्लीकेशंस। तो आप कहोगे कि यार एप्लीकेशंस कहां से आए, बट गाइज अगर मैं बात करता हूं ना कि मुझे दिन में इतना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, इतना मेरा कैलोरी इंटेक होगा, इतना मेरा वाटर इंटेक होगा, मैं इतनी कैलोरीज बर्न करूंगा, तो इसके लिए हमें एप्स की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। और यार, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो एप्स का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो इसीलिए मैं माय फिटनेस पाल ऐप को यूज करता था मेरी कैलोरी इंटेक, मेरा वाटर इंटेक और मेरा प्रोटीन इंटेक गिनने के लिए, और मेरा वेट कितना हो गया है, और मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है, मसल मास कितना गेन किया है, वाटर लेवल मेरे बॉडी में क्या है, बोन डेंसिटी क्या है, ये जानने के लिए मैं डॉक्टर ट्रस्ट स्केल को यूज करता था। उनका ही ऐप आता है डॉक्टर ट्रस्ट ऐप, तो इन 2 apps को मैं यूज करता हूं। तो मुझे ये 2 apps तो काफी अच्छे लगे। तो अगर आपको भी कैलोरी इंटेक गिननी है तो आप इन एप्स को यूज कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7 है गैजेट्स। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमें एप्स यूज करना चाहिए, उसी तरह से 3-4 गैजेट्स में यूज करता था। सबसे पहला है ये मेरा स्मार्ट वॉच। तो गाइस, स्मार्ट वॉच आज के तारीख में काफी रेडीली अवेलेबल है, और मैं स्मार्ट वॉच इसके लिए यूज करता हूं क्योंकि मैंने एक टारगेट रखा था कि कुछ भी हो जाए दिन में 5000 steps में चलूंगा ही। तो वो मेरे स्मार्ट वॉच में मैंने दिन में कितने स्टेप्स चले उसका काउंट आता था। साथ में मेरी हार्ट बीट हो गई, मैं अगर जिम जाता था, मैं म्यूजिक सुनता था, तो गाना अगर मुझे आगे पीछे करना है तो वो भी फीचर इसमें है। मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की तो वो इसमें भी पता चलती थी मुझे। तो स्मार्ट वॉच एक काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है।
और सेकंड गैजेट है वेइंग स्केल। जैसे एक क्रिकेटर के पास बैट होनी चाहिए ना, उसी तरह से मैं मानता हूं कि अगर हम लोग वेट लॉस जर्नी पे है तो हमारे पास अपना खुद का एक वेइंग स्केल होना ही चाहिए। मतलब मेरा खुद का नहीं था, मैंने बोरो किया था, बट मैं कह रहा हूं कि एक अपनी खुद की वेइंग स्केल होनी चाहिए, क्योंकि हर वीक हम लोग एक ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हमारे वेट्स में क्या फ्लक्चुएशंस है। थर्ड गैजेट जो मैंने यूज किया था वो काफी छोटा सा है, काफी सस्ता भी मिलता है, बट काफी इंपॉर्टेंट है। वो गैजेट है एक छोटा वेइंग स्केल जो हम लोग किचन में नहीं यूज करते, वो डिजिटल किचन वेइंग स्केल जिसे कहते हैं वो। क्योंकि जब मैं कहता हूं ना कि हमें गिन के खाना खाना है, ओके, इतने इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, इतने इतने ग्राम्स ऑफ कार्ब्स लेना है, तो ये वेइंग स्केल काफी हैंडी होती है। मतलब मैं मेरे शूट पे जाता था, मैं ट्रैवल करता था, मैं किसी को भी विजिट करता था, तब मैं ये मेरी वेइंग स्केल लेके ही जाता था। आपको बताओ यार, लोग बहुत हंसते थे कि क्या रोशन एकदम तो गिन गिन के खाता है, बट क्या करूं यार, मुझे मेरा गोल अचीव करना था। और अच्छी बात यह है ना दोस्तों कि आज वही लोग मुझे मेरा रिजल्ट देख के कहते हैं कि रोशन मैं क्या डाइट फॉलो करूं। तो देखो मैं इसमें तो नहीं पढ़ूंगा, बट बात यह है कि ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और फोर्थ गैजेट जो मैंने यूज किया था वो थे मेरे ईयरबड्स। गाइज होता क्या है ना कि हम लोग जिम में जाते हैं ना तो काफी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, और मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मैं जब भी जिम में जाता हूं ना, मैं ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, मैं मेरे ट्रेनर के साथ भी जितनी जरूरत हो उतनी बात करता हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि मसल माइंड कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, तो वो मसल माइंड कनेक्शन होने के लिए मैं ज्यादा किसी से बातचीत जिम में नहीं करता। मैं मेरे ईयरबड्स लगा देता हूं और फिर मेरा वर्कआउट करता हूं। कभी कभी क्या होता है कि जिम में जो प्लेलिस्ट बजती है ना वो हमारे टेस्ट की होती नहीं है, तो वहां पे भी ये हमारे जो ईयरबड्स होते हैं ना वो सेवियर बन के आ जाते हैं। सो ये गैजेट मैं यूज करता था। तो गाइज ये थी मेरी बॉडी रिकम्पोजिशन की जर्नी, जिसमें मैंने फैट लॉस किया और मसल भी गेन किया। इस पूरी जर्नी को मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की, आई होप वो आपके साथ शेयर करने के बाद आपको भी इससे कुछ मदद मिले, क्योंकि आई नो आप सभी के कुछ ना कुछ बॉडी को लेके गोल्स होंगे। कोई फैट लॉस चाहता होगा, कोई चाहता होगा कि मसल गेन करूं। तो ये 7 पॉइंट जो मैंने शेयर किए, आई होप आप उन पे काम करोगे, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आपके गोल तक पहुंचने में आसानी होगी। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, मैं कोई भी फिटनेस एक्सपर्ट या कोई डॉक्टर नहीं हूं, बट गाइज ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने आपके साथ ये शेयर किया। तो जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका गोल डिसाइड करें, गोल डिसाइड करने के बाद एक प्रॉपर प्लान करें, किसी भी अच्छे एक्सपर्ट की इसमें हेल्प लें, और उसके बाद दिलो जान से कोशिश करें कि आप वो गोल कैसे अचीव करें। हमारे जिम में काफी अच्छा कोट लिखा है जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, और वो कोट ये है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। सो बाय गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर बजाइए, ताकि जब भी मैं मेरा नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। सो बाय, दिस इज रोशन विचारे साइनिंग ऑफ।